आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। भिवंडी लोकसभा इलेक्शन में पिछले 3 दिनों से लगातार फॉर्म भरे जा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने उम्मीदवार को चुनकर अपने अपने उम्मीदवारों की जय जयकार भी कर रहे हैं। खास तौर से अगर हम भिवंडी शहर की बात करें और अल्पसंख्यक की बात करें यानी मुसलमान समुदाय की बात करें, तो भिवंडी के सभी मुस्लिम समुदाय जो है वो फिलहाल जो है बालिया मामा की जय जयकार कर रहे हैं और उन्हें ही वोट डालने की बात कर रहे हैं। ऐसे में भिवंडी से जो है AIMIM के एक उम्मीदवार जो है अकरम साहब, उन्होंने भी अपना पर्चा दाखिल किया आज और वो भी इस इलेक्शन में अपनी उम्मीदवारी जाहिर करके AIMIM से अब इलेक्शन लड़ेंगे। अब देखना ये है कि भिवंडी के कितने मुस्लिम कम्युनिटी के लोग या कितने ग्रुप के लोग या कितने संस्था के लोग या कौन से ऐसा फाउंडेशन या कौन से ऐसी तंजीम है जो MIM पार्टी के साथ ज्वाइंट होती है और उन्हें इस वोट देकर जिताती है। तो आइए, फॉर्म भरने के बाद हमने उनके कैंडिडेट से बात की, साथ ही साथ जो सादा उस्मानी साहब से भी हमने बात की। सर, क्या कहेंगे जिस तरह से देखा जा रहा है लोकसभा के चुनाव का मुख्य वजह MIM के कैंडिडेट जो है लास्ट दिन यानी कि 3 तारीख में पर्चा दाखिल करने का दिन था, आज ही के दिन आप लोगों ने पर्चा क्यों दाखिल किया और इस चुनावी लोकसभा में क्या रणनीति और क्या विकास के वादे लेकर करने वाले हैं? देखिए, भिवंडी लोकसभा मतदान क्षेत्र को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बरिश असद अवैसी साहब ने ये जो 3 तारीख मतलब आज आखिरी दिन अभी तक के लिए ऑब्जर्वेशन मोड पर रखा था कि कौन कौन उम्मीदवारी दाखिल करता है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का भिवंडी शहर जिला शहर संगठन प्रमुख होने के नाते हमने जो मालूमात पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को दी थी कि भिवंडी शहर के भिवंडी लोकसभा मतदान क्षेत्र में ऐसे हालात हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर कंटेस्ट करती है तो लोगों के पास एक पर्याय के रूप में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उम्मीदवार होगा। भिवंडी शहर में हम ये देखते हैं कि कोई भी डेवलपमेंट के कार्य नहीं है। लोग सांसद के द्वारा जो कार्य होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी ने कुछ भी काम नहीं किया, उसको देखते हुए लोग जो है परेशान है। बाकी जो उम्मीदवार लड़ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि कल बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इसलिए लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसा उम्मीदवार जो इंडिया गठबंधन की तरफ से उतरा है, कल को अगर उसको वोट डालते हैं तो वोट खराब ना हो, ऐसी लोगों में ज्यादा बातें दिखती आ रही है। बाला मामा जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार है, ऐसा लगता है कल को अगर लोगों ने उनको वोट दिया और वो चुनकर आते हैं तो कल वो और शरद पवार भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे, ऐसा आवाम के बीच में ये चर्चा बहस में है। इसी को देखते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यह निर्णय किया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बरिश असद अवैसी साहब की हिदायत पर। आज कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे सीनियर लीडर आदरणीय अकरम खान साहब ने नॉमिनेशन फाइल किया है, इंशाल्लाह हम लड़ेंगे और जीतेंगे। आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप ये खड़े रहने से मुस्लिम वोट का बंटवारा होगा? देखिए, मुस्लिम वोटर जो है वो पिछले 70 साल में एक ही सोच के साथ हर 5 साल में ये देखता आया है कि ये मुझे इंसाफ दे। इंडिया गठबंधन लगभग पिछले 70 साल में, खासतौर पर मैं कांग्रेस और राष्ट्रवादी की बात करूंगा, इनकी हुकूमतें ज्यादातर रही। आप देखिए भिवंडी में टोरेंट किसने लाया, आप देखिए भिवंडी में सड़क की प्रताड़ना किसने दिया, क्या शोएब गुड्डू रशीद ताहिर मोमिन जो भिवंडी शहर में खासतौर पर लीडरशिप कर रहे हैं, इन्होंने भिवंडी शहर को इंसाफ दिया? क्या रशीद ताहिर मोमिन भिवंडी शहर में आमदार नहीं थे? क्या शोएब गुड्डू की अध्यक्षता में भिवंडी शहर में पिछले 10 साल में महापौर और उपमहापौर कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का नहीं बना? तो शहर की जनता को इंसाफ किसने दिया? सिर्फ शहर की जनता को लूट खाया इन्होंने। इसलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक पर्याय के रूप में न सिर्फ 2019 की विधानसभा में 45,000 वोट हासिल करके जनता का विश्वास प्राप्त की थी, अभी आने वाले वक्त में 2024 को जो 20 तारीख को चुनाव होने वाले हैं, इंशाल्लाह भारी मतों से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार अकरम खान साहब कामयाब होंगे। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ नफरत की बात करती, अगर उन्होंने विकास किया होता तो मोदी जी मुसलमानों के खिलाफ बात करते हुए नजर नहीं आते। मोदी जी ने क्या किया पिछले 10 साल में हमारे हिंदू भाइयों के साथ? इंसाफ ना इंसाफी की क्या किया उन्होंने? ना नौकरी दी, ना डेवलपमेंट के कार्य किया, सिर्फ हिंदुइज्म की बात करते हैं। देखिए, कपिल पाटिल साहब 10 साल से हजदार है, मंत्री थे, क्या किया उन्होंने शहर में? टोरेंट को बनाने के लिए उनका क्या किरदार है? क्या किया उन्होंने टोरेंट को लाने के लिए? कांग्रेस ने, कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने अहम रोल अदा किया था।
लेकिन हम ये देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो फिर से रेगुलराइज किया, क्या कपिल पाटिल का किरदार नहीं था? तो कपिल पाटिल साहब जो है, भारतीय जनता पार्टी जो है भिवंडी शहर को बर्बाद करने के लिए हर मुमकिन प्रयास में है। आपके कैंडिडेट की लड़ाई कितने रहेगी? देखा जाए तो नीरज सांबरे, बाल्या मामा और कपिल मोनेकर पाटिल दो बार सांसद रह चुके हैं। देखिए, जनता तय करेगी। आने वाले 15 दिन हम जनता के बीच में अपनी बात रखेंगे कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन ने शहर को लूट खाया है। ये वोट काटने की राजी है, वोट काटने की जो है राजनीति तो नहीं आप लोगों की, आप पर हमेशा आरोप लगाए। देखिए, 2014 में मेरे साथी अकरम खान साहब जब पहली बार चुनाव लड़ रहे थे तब भी यही बातें होती थी, लोग उम्मीदवार बनने को तैयार नहीं थे, लेकिन अकरम खान साहब ने भिवंडी शहर की सारी लीडरशिप को पछाड़ते हुए सबसे ज्यादा मुसलमान कैंडिडेटों में सबसे ज्यादा वोट हासिल किया था और आज भी हमें उम्मीद है कि वो जीत हासिल करेंगे। कोई बड़ा लीडर आने की उम्मीद है क्या विधानसभा में? बिल्कुल, हमारे आगरा पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बरीसा असद अवैसी के साथ साथ अभी भी मिलत अकबरुद्दीन अवैसी साहब, स्टार प्रचारक के रूप में खासदार इम्तियाज जलील साहब, वारिस पठान साहब, क्योंकि बिहार में भी इलेक्शन खत्म हो चुके हैं, यहाँ बिहारी वोटर ज्यादा है, तो अख्तर लीमान साहब भी आएंगे, ऐसा हमें उम्मीद है। पहली बात तो मैं बोलना चाहता हूँ कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का मेरे को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मेरे ऊपर जो विश्वास करके ये मेरे को यहाँ पे लोकसभा का टिकट दिया और लड़ने के लिए वो हुआ। और इंशाल्लाह अगर हम लोग रोड पे जाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे तो डेवलपमेंट की बात करेंगे और जो कोई नहीं किया आज तक, ना कांग्रेस की है ना बीजेपी की है।